शकीरा फिल्म्स प्रेजेंट करती है एक अनट्रेसिबल कहानी। ये कहानी ऐसे कातिल की है जो लोगों से ऑनलाइन सिस्टम द्वारा बहुत फ्रॉड करवाता है। लोगों ने बहुत उसे ढूंढने की कोशिश की, वो कौन है, ये कैसे कर रहा है, यहाँ तक कि साइबर क्राइम वाले भी उनका पता नहीं लगा पाते। हमारी ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कहानी होती है एक छोटे बिल्ली की। वो एक पिंजरे में होती है। एक आदमी उसके लिए दूध लेकर आता है और उसे पिंजरे से बाहर निकलता है। तभी दूध के कटोरी के ठीक आगे ही एक ब्लैक कलर का स्क्वायर बॉक्स होता है। उसके ऊपर ग्लू लगा होता है जिससे चूहों को पकड़ने के लिए मदद होती है। जैसे ही वो दूध पीने के लिए आगे आती है वैसे ही बिल्ली के पैर उस पर चिपक जाते हैं और वो आदमी हेलोजन का पूरा फोकस बिल्ली के ऊपर कर देता है जिससे वो गर्मी से हैरान हो जाती है। ये सब कुछ लाइव सेशन जैसा चल रहा होता है। दुनिया का कोई भी आदमी इसे देख सकता है और जिस वेबसाइट में ये लाइव चल रहा होता है उस वेबसाइट का नाम होता है किल विद मी। और यही साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस काम में बहुत एक्सपर्ट होती है। अभी इसने एक केस सॉल्व किया होता है जिसमें एक पिता और उसका बेटा एक लोगों के साथ फ्रॉड करता है और अभी उसकी नज़र एक वेबसाइट पर जाती है जिसका नाम होता है किल विद मी। उसी वेबसाइट पर एक लाइव सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्ली पर कई समय से एक हेलोजन की रोशनी पड़ रही होती है और इस रोशनी की वजह से वो गर्मी से तड़प रही होती है। जेनी को कुछ समझ नहीं आता है। अब वो घर जाती है। जेनी की एक बेटी दिखाई जाती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी जेनी के ऊपर होती है और अब जेनी वही लाइव वीडियो को देखती है जहाँ पर वो बिल्ली के ऊपर कई समय से हेलोजन का फोकस बहुत जोरदार होता है और वो देखती है कि इसी के कारण वो बिल्ली मर जाती है। अब ऑफिस जाने के बाद जेनी उस लाइव वीडियो को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि ये वेबसाइट कौन हैंडल कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि उसका आईपी एड्रेस हर एक सेकंड में चेंज होता जाता है। कभी इंडिया का होता है, कभी अमेरिकी का होता है, कभी इजिप्ट का होता है, तो कभी रशिया का होता है। बार बार बदल जाता है। जो भी ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे सर्वर का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है जिससे पता चलता है कि ये कहाँ से है और कौन इसे ऑपरेट करता है। लेकिन वो जो लड़का होता है उसने ऐसे सेटिंग किया होता है कि उसका आईपी एड्रेस कंटिन्यू बदलता ही जाता है, इसीलिए उससे कुछ पता नहीं चलता है। वो इस वेबसाइट को ऑपरेट करने के बाद ब्लॉक भी करते हैं लेकिन फिर से उसका नाम डालने से वो वेबसाइट खुल जाती है। अब इनकी वेबसाइट रशियन के सर्वर से कनेक्ट होती है जहाँ पर इनका कोई भी एक्सेस नहीं होता है। उसी शहर में एक आदमी होता है, वो सामने खड़ी गाड़ी के पास जो आदमी होता है उसे कहता है कि तुम्हारे पास ही रशियन मैच के एक्स्ट्रा टिकट है, लेकिन वो आदमी उसे देखने से पहले ही वो उसे मार कर किडनैप कर देता है। और उसी किल विद मी वेबसाइट पर वो आदमी दिखता है, वही आदमी जिससे अभी एक लड़के ने किडनैप किया होता है। उसे अब पूरी तरह से बांध दिया जाता है और उसी वेबसाइट पर वो लाइव सेशन चालू हो जाता है। सब इसे देखते हैं। उसके छाती से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेनी सबको बताती है कि इस इंसान को एक प्रकार का ड्रग्स दिया जा रहा है जो हमारे खून को पतला करता है, जो किसी बीमारी में यूज किया जाता है। उसकी माता ज्यादा होने के कारण खून बहता ही जाता है और फिर इंसान की मौत हो जाती है। और इस ड्रग्स को उस आदमी के शरीर में इस तरह से डाला जाता है कि जितने भी लोग इस वेबसाइट को देखेंगे उतना ही वो ड्रग्स उस आदमी के बॉडी में उतर जाएगा और धीरे धीरे इस वेबसाइट के व्यूवर्स बढ़ जाते हैं जिससे वो ड्रग्स लगातार उसके बॉडी के अंदर जाती है और कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी पायलट था और जो कातिल ने उसे मारा था, जो कि सब सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, वो अपने वेबसाइट पर एक मैसेज टाइप करता है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, अभी तो बहुत बाकी है। जेनी कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी जो आदमी मारा गया था वो पायलट था। उसकी लाश एक पॉलिटिशियन के गाड़ी के डिक्की में मिलती है। वहाँ एक विलियम नाम का आदमी होता है जो कई साल पहले रिपोर्टर हुआ करता था। अब वो एक होस्ट होता है। वो एक लड़के के घर जाता है जिसने इंटरनेट पर एंटीक पोस्ट डाली होती है। वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो चीज देखने उसकी गैलरी की तरफ जाता है तभी वो लड़का उसे पीछे से इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है। अब वो वैसे ही नीचे गिर जाता है। अब वो उस लड़के के कब्जे में होता है। अभी वो बहुत बड़े ब्लॉक में सीमेंट लेकर डालता है जिस जगह उसने उसे खड़ा कर दिया होता है ताकि वो जरा भी हिल ना पाए। और उसी दिन जेनी के बेटी का बर्थडे होता है और उसकी पूरी टीम उसके घर जाती है। उनसे उसे पता चलता है कि किल विद मी वेबसाइट पर और एक केस होती है जिसमें उस आदमी को टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी सभी टीम अब पार्टी छोड़कर ऑफिस जाते हैं कि एक आदमी जो पहले न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था वो अब पूरी तरह से सीमेंट के अंदर है। वो कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता, वो पूरा सूख चुका है और उसके सभी तरफ से हेलोजन लगे हुए हैं जिस तरह से उस बिल्ली के आजू बाजू में लगे हुए थे।
और जितने भी लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे इन हेलोजेंस की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इतने हद तक जलेगी कि विलियम यहाँ पर जलकर खत्म हो जाएगा। ये लाइव सेशन पूरी दुनिया देखती है। धीरे धीरे यहाँ के व्यूवर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। IPI का सीनियर ऑफिसर जिसका नाम रिचर्ड होता है वो सभी को कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, कहता है हमें इस केस के बारे में बात करनी होगी, नहीं तो सब सोचेंगे हमने इस केस के बारे में कुछ नहीं किया। जेनी उसे ये करने से मना कर देती है। जेनी कहती है वो कातिल यही चाहता है कि हम उसके बारे में बात करें, उसके वेबसाइट पर विजिट करें, ताकि जिस आदमी को उसने बांध रखा है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चल रहा है, वो जल्द ही जल्द मर जाएगा। लेकिन रिचर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है ताकि दुनिया को पता चले कि IPS की टीम इस पर कुछ कर रही है। वो कॉन्फ्रेंस में सभी को रिक्वेस्ट करता है कि कोई इस वेबसाइट को विजिट ना करे, क्योंकि जितने भी लोग विजिट करेंगे उतने ही जल्दी विलियम्स की मौत हो जाएगी। और अभी विलियम धीरे धीरे उस गर्मी से जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग हेलोजन जल रहे होते हैं। यहाँ कंप्यूटर पर कई सारी सेटिंग्स होती हैं। मरने से पहले विलियम के मुंह का कपड़ा खुल जाता है, वो कुछ बोलना चाहता है और उनमें से ही एक आदमी उसके लिप्स पर फोकस करता है। वो कुछ एड्रेस बताने की कोशिश करता है। वो एड्रेस होता है 880 न्यूबेरी। ये वही एड्रेस होता है जहाँ पर उस आदमी ने विलियम को वो एंटीक चीज खरीदने के लिए बुलाया था। वैसे ही FBI की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही उनके घर में जाती है वहाँ पर कोई नहीं होता है, वहाँ पर बस एक लैपटॉप होता है। वहाँ पर वही न्यूज चालू होती है कि जहाँ पर रिचर्ड सबको रिक्वेस्ट करता है कि उसके वेबसाइट पर कोई विजिट ना करे, लेकिन उसके साइट पर बहुत सारे व्यूज आने के कारण विलियम की मौत हो चुकी होती है। जेनी कहती है वो आदमी अब यही था, वो अभी यहाँ से भाग चुका है। और बाद में उनको पता चलता है कि ये घर किसी आदमी का है, वो कोरिया में रहता है, कभी कभी यहाँ पे आता है, और अब यहाँ से भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। अभी FBI के सामने सवाल आता है आखिर वो लड़का इन सबको क्यों मार रहा होता है, क्यों वो उसके वेबसाइट के लाइव स्ट्रीमिंग में क्यों मारना चाहता है। अब FBI को इसके पीछे की वजह जानना जरूरी है। अब उनके पास सिर्फ लैपटॉप होता है। जेनी के साथ काम करने वाला एक आदमी बताता है कि जिसका ये लैपटॉप है उसका नाम किल्बन है, जो कि वो अब मर चुका है। वो लड़का इस साइट पर कुछ सुसाइड के कुछ मरने वाले वीडियोस अपलोड करता था, वो 4 अलग अलग साइट पर डालता था। और अब जो उसे चला रहा है उसने सबसे पहले बिल्ली वाली पोस्ट इसी लैपटॉप से डाली थी, यानी कि ये लैपटॉप उसने चुराया है। अब जेनी घर जाती है और उसकी बेटी कंप्यूटर पर देखती है। वो अपने आप से ही किल्विथ में वेबसाइट खोल देता है, यानी कि वो भी कंप्यूटर हैक हो चुका है और उसके स्क्रीन पर उसके ही घर को दिखाया जाता है। यानी कि जिस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर लोगों को मारा जाता है उसी वेबसाइट पर जेनी का घर दिखाया जाता है। जेनी की बेटी ये अपने मॉम को बताने की कोशिश करती है। उसकी बेटी बाहर चली जाती है और जेनी को तभी उसके साथी का कॉल आता है, उससे उसको सारी सिचुएशन पता चलती है। जेनी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन देखती है, वहाँ पर उसका घर दिखाया जाता है और उसकी बेटी भी वहाँ पर खड़ी होती है। वो अपनी गन लेकर भागते हुए बाहर जाती है और वो अपने मॉम को बेटी को लेके अंदर जाने के लिए कहती है। उसे दिखता है कि उसके घर के बाहर एक कार खड़ी होती है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। वो उसे निकाल देती है। वहाँ पर अब पुलिस आते हैं, उस गाड़ी के डिक्की को खोलते हैं, तब उसमें विलियम की डेड बॉडी होती है। उस आदमी को इसने दूसरे नंबर पर मारा था, वही आदमी ने जेनी के बेटी के बर्थडे के दिन उसको वीडियो गेम भेजी थी। तब जेनी की बेटी उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करती है। वो एक कनेक्शन जैसा होता है जिससे जेनी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आदमी तक पहुंचती, इसलिए उसे जेनी के घर का पता चला। और अब जेनी को उसके साथी ग्रिफिन का कॉल आता है। वो बोलता है कि मुझे पता चला कि वो आदमी तुम्हारे घर को क्यों टारगेट करता है, क्योंकि उसे पता चला है कि तुम इस केस में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही हो। और उसे ये भी पता चला है कि जिसका ये लैपटॉप था, जो कि कुछ महीने पहले मर चुका था, और ये कातिल, इन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन था। इसे मैं और भी डिटेल में जानना चाहता हूँ, तुम मुझे ऑफिस में मिलो, ये कहकर वो फोन रख देता है। तभी उसको और एक फोन आता है, वो एक लड़की का फोन होता है। वो कहीं लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करता है। वो लड़की उसे कहती है मुझे तुम्हारा मेल बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। और अगले ही पल ग्रिफिन, जो एक FBI एजेंट होता है, वो उसी आदमी के कब्जे में होता है। और वही किल विद मी वेबसाइट पर ग्रिफिन की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। ग्रिफिन को कॉल आया था, वो उस कातिल का ही था जो कंप्यूटर की वॉइस जरिए अपनी आवाज को लड़की की आवाज में चेंज कर किया था और मिलने के लिए बुलाकर बंदी कर लिया। ग्रिफिन को पानी के टैंक में रखा हुआ होता है, उसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसमें एसिड होता है। जैसे जैसे लोग इस साइट पर विजिट करेंगे वैसे ही वो एसिड पानी में गिरना शुरू हो जाएगा, उससे उसकी पूरी बॉडी ढीली हो जाएगी और वो मर जाएगा।
और जब ये वेबसाइट पर और एक आदमी का कत्ल होने जा रहा है तो लोग दोबारा इस वेबसाइट पर विजिट करने जाते हैं और वो एसिड पानी में गिर रहा होता है जिससे ग्रीफन की बॉडी जलना शुरू हो जाती है। ग्रीफन के मुंह को भी बांध लिया जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता और बॉडी जलने से यहाँ बदबू होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और अब ग्रीफन के पास एक आखिरी मौका है। वो अपनी आंखें झपक कर अपने दोस्तों को FBI की टीम को एक मैसेज देना चाहते हैं। मॉर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आंखें झपक कर लाइट को बंद चालू कर एक मैसेज दे सकते हैं और वो मैसेज देते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उस मॉर्स कोड को चेक किया जाता है तब ग्रीफन ने कहा होता है अवर सुसाइड। जेनी समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर कोई राज होगा और अब वो उस DVD को देखती है, वो उसे ग्रीफिन ने दी होती है। ग्रीफिन ने ये DVD को उस लैपटॉप से जो मरने वाले दूसरे आदमी के लिपसिंग को रीड करके जिस घर में पहुंचे थे, ग्रीफिन ने उसी लैपटॉप के वीडियो फुटेज से ये DVD बनाई थी। इस DVD के अंदर बहुत सारे सुसाइड्स क्लिप होते हैं क्योंकि जो लड़का इस लैपटॉप को यूज करता था उसने यही सारे वीडियो 4 अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड किया करता था। और इस सब क्लिप में से एक ऐसा क्लिप होता है जिस पर उसने लिखा होता है ग्रेटेस्ट हिट, यानी कि अभी तक का सबसे हिट वीडियो। और एरिक जो उसके साथ काम करता है वो कहता है कि मैं कुछ दिन पहले उस ब्रिज के पास गया था क्योंकि पहली बार जो बिल्ली मारी गई थी वो उसी ब्रिज के यहाँ से चुराई गई थी। जेनी को अब सारा केस समझ में आ रहा था, वो पूरी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वो सबको कहानी बताती है कि आज से 15 साल पहले एक प्रोफेसर ने उस ब्रिज से सुसाइड किया था जिसका नाम जेम्स था, जो अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और ये जब सुसाइड कर रहा था तब एक पायलट ने उसे पूरी तरह से घेर कर रिकॉर्ड कर लिया था जिसका नाम मिलर था। वो वही इंसान था जिसे सबसे पहले मारा गया था, वो भी एक पायलट था। और ये बात जब न्यूज चैनल पर आना शुरू हो गई तब उसके फैमिली ने ऑब्जेक्शन उठाया था, सभी चैनल्स ने उनसे माफी मांगी थी लेकिन उस चैनल 12 ने ऐसे नहीं किया क्योंकि इससे उनकी TRP बहुत ऊपर आई थी। और उनमें से ही एक रिपोर्टर को उस जगह भेजा जाता है जहाँ उसने सुसाइड किया होता है और वहाँ जाकर कई लोगों से सुसाइड के बारे में सवाल जवाब किया होता है। और रायली की सुसाइड की वीडियो दोबारा अपलोड की जाती है तो किल्बन उसे रिकॉर्ड करता है, वैसे ही उस वीडियो को भी उसने अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड किया होता है। ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाता है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। रायली का जो बेटा होता है ओवन, वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है अपने काम में, जो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मैकेनिक होता है, लेकिन वो अपने अकेलेपन से बहुत डिस्टर्ब होता है। और जब उसके पिता ने सुसाइड कर ली होती है तब उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। आज से 6 महीने पहले वो छूट जाता है। अब हमें पता चला है ये सब कौन कर रहा है, ये सब रायली के मौत के बाद रायली का बेटा कर रहा था। उसने दुनिया के सामने सबसे पहले उस पायलट को मारा जिसने उसके पिता की पहली सुसाइड वीडियो को रिकॉर्ड किया था और उसे वायरल भी किया था। उसके बाद उस रिपोर्टर को मारा था जिसने इस पूरी सीन को रिकॉर्ड किया था और लास्ट में FBI का एजेंट जिसे पूरी दुनिया के सामने मारा था क्योंकि उसे पता चला कि जो भी कुछ हो रहा है वो रायली का बेटा ओवन ही कर रहा है। तीनों के कताल से पहले उसने उस लड़के को मारा जिसने उसके पिता के सुसाइड के वीडियो को 4 अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड किया था और जिसका नाम किल्बन है, और उसके लैपटॉप से उसने सबसे पहले बिल्ली का जो वीडियो वायरल हुआ था वो पोस्ट किया था। जेनी सबको बताती है कि किल विथ मी वेबसाइट का जो लोगो है ओवन के पिता का अक्षर है और उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो उसके पिता की मरने की तारीख है। ओवन अपने पिता के घर में अकेले रहता है। ये सभी राज जानने के बाद FBI की टीम उसके घर में पहुंच जाती है, वहां पर कोई भी नहीं होता है। वहां पर ग्रीफन की डेथ बॉडी मिलती है लेकिन ओवन वहां से भाग चुका होता है। इसके बाद ओवन की तस्वीर को हर एक चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता है ताकि उसे पकड़ा जा सके। और रात को जब जेनी घर के लिए निकलती है तभी चारों तरफ से बारिश शुरू हो जाती है और उसकी गाड़ी अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, गाड़ी के लाइट्स बंद हो जाते हैं और वो स्टेयरिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। इस गाड़ी को पूरी कंप्यूटर सिस्टम होती है, इस गाड़ी को ओवन ने हैक किया होता है। गाड़ी के रेडियो से ओवन की आवाज निकलती है। ओवन उसे कहता है सामने देखो जेनी, इसी ब्रिज से कूद कर मैंने पिता ने सुसाइड किया था और कुछ वेबसाइट पर उनके गिरते हुए वीडियो भी डाले गए और एक जगह कमेंट लिखा था वाह, इसके अलावा बहुत कुछ था, चाहे तो तुम ये सब कंट्रोल में कर सकते थे, तुम लोगों को ऐसा करने ही क्यों देते हैं। ओवन जेनी को ये सारी बातें इसलिए बताता है क्योंकि वो FBI के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करती है। जेनी अब कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। जेनी अपना गुस्सा गाड़ी के शीशे पर निकाल कर वहाँ से चले जाने की कोशिश करती है। वो मदद के लिए आवाज देती है, उसका मोबाइल भी उसने हैक किया होता है। तभी उसके गाड़ी के लाइट्स ऑन हो जाते हैं, वो गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश करती है
वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है उसे अंदाज आता है कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। पिछली सीट पर ओवन होता है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करता है और उसे होश आते ही वो देखती है ओवन ने उसके पैरों को बांध के उसे उल्टा लटकाया होता है और उसी के ठीक नीचे ओवन ने मशीन लगाया होता है जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। और अब किल विद मी वेबसाइट को फिर से ऑपरेट किया जाता है और फिर जैसे ही इसमें लोग विजिट करेंगे धीरे धीरे वो मशीन नीचे आना शुरू हो जाएगी और इस तरह से उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पर FBI की पूरी टीम इसे लाइव स्ट्रीमिंग देखती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरह से उसकी मदद करे। यहाँ पर इन्हीं के एक एजेंट जो जेनी के खास होते हैं वो उस जगह को पहचान लेते हैं, वो बेसमेंट जहाँ पर जेनी को बांध कर रखा था वो उसी का बेसमेंट है। वो अब जेनी को बचाने के लिए निकल जाता है लेकिन वो रास्ता इतना दूर होता है कि उस पर पहुंचने से पहले ही जेनी मर जाएगी और उसके साइड पर अब लोगों के व्यूज बढ़ते ही जाते हैं। इस डेंजर की स्ट्रीमिंग को पूरी दुनिया देख रही है। अब जेनी अपने आप को आगे पीछे हिलाना शुरू कर देती है। वैसे ही वो एक पोल को पकड़ लेती है तो ओवन उसे छुड़ाने के लिए आता है। जेनी वहाँ पर एक गैस के पाइप को निकाल देती है जिसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाता है। ओवन के मुंह पर आंखों पर गिरती है जिससे उसकी बहुत बुरी तरह से जलन होती है और उसी का फायदा उठाकर जेनी उस वायर को जिससे उसने उसे बांधा था उसे पूरी तरह से ढीला करके नीचे गिर जाती है। वो ओवन को बहुत बुरी तरह से मारती है। ओवन अपनी गन से उसे मारने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर फेंक देती है और ओवन अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो जेनी को अभी भी मारना चाहता है लेकिन तभी जेनी उसके ही गन से उसके सिर पर 6 की 6 गोलियां उतार देती है और इस तरह से ओवन का अंत हो जाता है। और अंत में दिखाया जाता है कि उसी के कैमरे पर जिस वेबसाइट पर पूरी दुनिया लाइव स्ट्रीमिंग देखती है जेनी अपने FBI का बैज दिखाती है। अब पूरी दुनिया को पता चलता है कि इस कातिल को पूरी FBI की टीम ने ही मारा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। हमारी ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।